Hello everyone, welcome to PYQs. This is Calculus and Real Analysis basic series. So what is purpose of this video? तो हम इस वीडियो में और आगे की वीडियो में हमारा एक पर्पज रहेगा कि कम से कम एक सवाल हर एक वीडियो से एग्जामिनेशन रिलेटेड टॉपिक से हम कर पाएँ और उसको हम एग्जामिनेशन में भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ. सो आज का जो हमारा वीडियो है उस पर फोकस रहेगा हमारा लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसीबिलिटी. ये तीन टॉपिक्स हम देखेंगे और फॉर वन वेरिएबल ओनली, खाली एक वेरिएबल से. तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं लिमिट से. लिमिट्स हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो कोई एक पॉइंट है तो उसको हम दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं केवल. अगर मोर देन वन वेरिएबल की बात हो तब हम कई डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं. सो जैसा कि आपको पता है लिमिट हम किसी पॉइंट ए के लिए अगर लिख रहे हैं उस पर लिमिट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, दो तरफ से. दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस मतलब पॉजिटिव साइड से और या फिर नेगेटिव साइड से. ओके, तो ये एक तरीका हो गया लिमिट पॉजिटिव साइड से मतलब राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से देखने का. अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं लिमिट एच के फॉर्म में, एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस सॉरी ए प्लस एच. और यहाँ अगर हम h की तरफ टर्म में लिखें h इक्वल्स टू f a माइनस एच. सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये राइट हैंड लिमिट हो गया. ओके, तो पूरे लिमिट में हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट्स. इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी है और उसके बाद आपको ज़्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है. जो रियल एनालिसिस में हम लिमिट देखेंगे वहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे कि कैसे एप्सिलॉन और डेल्टा में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैलकुलस वाले पार्ट में उतना यूज नहीं होता है. यहाँ पे जस्ट पेपर वन में हमें क्वेश्चंस डायरेक्टली फाइंड करने के लिए आते हैं लिमिट्स. तो ये जो फॉर्मूला है यही काफ़ी होता है. उसके बाद लिमिट्स में हम आपने देखा होगा हम बात करते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म की. तो कुछ फॉर्म्स होते हैं उसके पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स के पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आप लगभग सबको पता ही होगा, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो अगर हम साइन x बाई एक्स कहें तो ये वन होता है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. इसी तरह टेन एक्स बाई एक्स ये भी वन होता है. उसी तरीके से लिमिट यहाँ मैं लिख देता हूँ जिसको हम यूज करेंगे अभी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और वन प्लस एक्स वन बाई एक्स ये जो है वो ई हो जाएगा. और इसी तरीके से एक रिजल्ट लिमिट इसको अगर इन्फिनिटी इसी वाले फॉर्म को अगर ऐसे लिखना चाहे वन प्लस वन बाई एक्स टू पावर एक्स ये ई होता है. तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट जो है वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट. ओके सॉरी, तो अब हम इन रिजल्ट को एक तरफ देखेंगे और ये लिमिट का फॉर्मूला एक तरफ. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म. तो एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म से ही आते हैं, दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म. अब कुछ इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो होते हैं वो जैसा कि आपको पता होगा मोस्ट ऑफ यू पीपल नो अबाउट लिमिट्स, तो हमें यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सो जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो बाई इन्फिनिटी ये एक टाइप का है. और कुछ एक टाइप के ऐसे होते हैं जीरो जीरो पावर जीरो, वन पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पावर जीरो. तो इन सब फॉर्म्स को डील करने के लिए हमारे पास थोड़े अलग अलग तरीके होते हैं. इसके लिए तो एला हॉस्पिटल रूल आप हमेशा से लगाते आए हो तो वो यूज करोगे. और जैसे मान लो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन वन पावर इन्फिनिटी से रिलेटेड आता है, तो जब भी वन पावर इन्फिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो. मान लो ये लिमिट जो है वो टेंड करती है वाई सम वन पावर इन्फिनिटी, तो आप यहाँ लेते हो लॉग. जब भी आप लॉग लेते हो तो लॉग वाई, अभी ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो लॉग इन्फिनिटी इंटू लॉग वन. तो ये देख सकते हो आप ये जीरो है, मतलब कि इन्फिनिटी इंटू जीरो वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ से इस वाले फॉर्म में हम पहुँच चुके हैं. अब इसको हम
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लिखने के लिए इन्फिनिटी 1/0 लिख सकते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो गया। तो फिर अब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो मान लो हमारे पास लिमिट कुछ एल आ गई, तो फाइनली हम क्या करेंगे वाई को यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज वाई इक्वल्स टू ई पावर एल। तो फाइनल लिमिट जो आएगी यहाँ पे अगर ऐसा कुछ फॉर्म है तो इस तरीके से आ सकता है। इट इज ओवर सिंप्लीफाइड मेथड बट ऐसा कुछ लॉजिक हम यूज करते हैं। तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं, 1/∞ या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ऐसे इंडिटरमिनेंट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दैट विल बी इन 10 मार्कर ऑल्सो। तो इसके पहले कि हम कुछ और करें, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। लेट मी इरेज दिस नाउ। नाउ विल टेक सम एग्जाम्पल्स, लाइक पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ। सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स साइन क्यूब एक्स। अब ये एक लिमिट है, तो यहाँ जब आप x की वैल्यू डायरेक्टली जीरो पुट करोगे तो आप देख रहे हो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे। उससे पहले, क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उससे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का एलिमेंट है। तो अगर हमें ऊपर कोई एक्स क्यूब का एलिमेंट मिल जाए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स माइनस टू अपॉन। अब आप देख रहे हो ये अगर हम साइन एक्स है, साइन क्यूब एक्स है और यहाँ एक्स मिल जाए तो ये डायरेक्टली हम वन लिख सकते हैं। और आपने देखा है हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब नीचे भी हमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक्स पावर फोर, ये तो हो गया वन। अब आप देख सकते हो कि हमें डिफरेंशिएशन, अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है तो अब हमें डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा, और हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये आएगा 2x माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 4x क्यूब। फिर से आप देखो 0 पुट करो तो 0/0 फॉर्म में है, तो अभी ये हम पहुंचेंगे 2 एंड अगेन इसका डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स अपॉन, अब यहाँ पे आप देखो क्या आया 12x स्क्वायर। अब अभी आप क्या देख रहे हो, अब एक लिमिट आपको तो मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, लेकिन अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है। आप देख सकते हो x इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जनरली लोगों को लिमिट याद होती है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट जो है वो 1/2 होती है। ओके 1/2 होती है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो वो फॉर्म बन रहा है, लेकिन अभी भी मान लो आपको ये नहीं पता तो आप देख रहे हो 0/0 फॉर्म में है। अगर 0 पुट करोगे फिर अगेन डिफरेंशिएशन, व्हाट यू विल गेट, माइनस 2 साइन एक्स कॉस का प्लस साइन एंड देन व्हाट आई विल गेट, यहाँ हो जाएगा 24x। फिर से अब आप देखो साइन एक्स बाई एक्स जो है वो 1 हो गया है। ओके तो 2/24 मतलब 1/12। तो कुछ ऐसे आप लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे लिमिट्स के बहुत सारे सवाल होंगे, आप और प्रैक्टिस करो। तो अभी हमारा यहाँ पर पर्पज नहीं है कि लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन करें, तो यहाँ पे हम मोस्टली कवर कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया अगर आपको लिमिट इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करने को बोलता है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन लाइक फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ, ऐसा कुछ बोलेगा, लिमिट लिमिट की वैल्यू दी रहेगी एक्स 1+a कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन नीचे एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर ऐसा लिमिट गिवन है पहले से, ओके तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो दिस टाइप ऑफ, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन आपने देख लिया कि लिमिट फाइंड करने के लिए, वो तो आप सब जानते हो। नाउ टू फाइंड आउट द दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू, तो पहले आप स्टार्ट करोगे यहाँ लिमिट से। जब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, ये अभी मैं अब आगे से नहीं लिखूंगा। तो जब ये आप देख रहे हो तो अब जब एक्स वैल्यू 0 पुट करते हो तो यहाँ 0, अब ये 0, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल,
तो एल हॉस्पिटल्स रूल तो आप सबको पता होगा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं हम। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो ये वन प्लस ये कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, एंड फिर हम एक्स को रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए एक्स साइन एक्स, ओके, और ये आया माइनस बी कॉस एक्स, ओके, और उसके बाद अपॉन 3x स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पे ए की एक्स की वैल्यू जीरो रखते हो, तो जब यहाँ जीरो रखोगे तो नीचे जीरो आ गया, लेकिन ऊपर जब जीरो रखते हो तो ये आता है, दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी ए, ए माइनस बी। मतलब जब आप जीरो रखते हो तो ए, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी ए माइनस बी, सॉरी, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी माइनस बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये जीरो हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है और हमें 0/0 फॉर्म में बनाए रखना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू 1 है। तो अगर 0/0 फॉर्म में होगा तभी हम ये आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम ये जो ऊपर वैल्यू आई एक्स की, नीचे तो 0 हो जा रहा है, ऊपर हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, ओके। अब फिर हम देख लिया ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो ये 0/0 फॉर्म में होगा। फिर से हम वही एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अब इस बार एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए आप देखो कि जैसे ए माइनस बी एक तरफ ले लूँ मैं, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया और माइनस ए साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस ए एक्स को डिफरेंशिएट किया था मैंने, और फिर उसके बाद ए एक्स कॉस एक्स, ओके, तो ये हो गया और नीचे आया 6x। अब इस बार अगर आप 0/0 पुट करते हो तो जब आप, सॉरी, 0/0 नहीं, जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट किया एक्स की वैल्यू 0, जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0 एंड यहाँ पे आप भी ये भी देख रहे हो 0 0, तो ये 0/0 फॉर्म में ऑलरेडी है। फिर से हम नेक्स्ट एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और फिर वहां पे देखेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल एक बार और लगाने के बाद ए माइनस बी यहाँ पे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एंड माइनस साइन एक्स का फिर से ए कॉस एक्स, और फिर से ये ए ए टाइम्स आप एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस ए साइन एक्स इंटू एक्स, ओके, तो ये हो गया अपॉन 6। अब फिर से अगर आप एक्स टेंड्स टू 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे माइनस अगेन ए और अपॉन 6, दैट विल बी 6 और इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देख रहे हो आप लिमिट, क्योंकि यहाँ लिमिट जो है 1 दी हुई है, तो इक्वल्स टू 1। तो इसको आप देखो, दिस विल बी इक्वल्स टू बी माइनस 3a इक्वल्स टू 6। सो बी माइनस 3a इक्वल्स टू 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे देखा आपने फर्स्ट, यहाँ पे देखा सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू ए इक्वल्स टू 5। सो ए इक्वल्स टू -5/2, ए की वैल्यू 5/2 आ गई, तो बी की वैल्यू आ गई 5 3 15 एंड 6 12, सो दैट इज -3/2, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि ये जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए और बी की लिमिट गिवन होता है। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। तो आप कैसे करोगे, हर हर एक स्टेप पे 0/0 फॉर्म में बना रखना चाहिए। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए ई पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ओके, ये वैल्यू 2 है। तो फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आप वीडियो पॉज करके ये ट्राई कर सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी। और आंसर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आंसर जो होगा ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 2 और सी की वैल्यू आएगी 1। तो ये हो गया आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन।
नाउ अब हम जनरल टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम चलते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म में। तो आपने ये देखा कि एक टाइप तो आपने ये देख लिया कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाई जीरो दोनों पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा है कि इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। तो वो कैसे क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल, हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे इसको कंपलसरी हो जाएगा कन्वर्ट करना, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स। ओके, तो जब आप x की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो आप देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो 1 बाई एक्स और इनटू ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर x की वैल्यू जीरो पुट करो तो फिर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा है। लेकिन अब देखो अगर आप एक बार फिर से यहीं पे लगा देते तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और कोसेक का भी माइनस 2 कोसेक एक्स कोसेक कॉट एक्स आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप ये फिर से अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये कन्वर्ज होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको जीरो बाई जीरो में कन्वर्ट कर लो, दैट इज इसको नीचे ले आओ, दैट इज एक्स अगर नीचे आ जाए और ये कॉस एक्स ऊपर चला जाए, दैट इज माइनस को बाहर रखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और नीचे एक्स। ओके, तो अभी आप देख सकते हो इसको कि अगर आप यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, अब तो ये वन हो गया और ये हो गया जीरो, लिमिट की वैल्यू कन्वर्ज कर गई जीरो पे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन कि हमारा ये लिमिट कन्वर्ज नहीं कर रहा होता, तो हमें कंपलसरी हो जाता है जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन लॉग वन माइनस एक्स कॉट पाई एक्स बाई टू। सो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको करके दिखाया कि यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा आपको करना। ये आईएएस 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ, तो ये आप सॉल्व करो तो फाइनल आंसर आपको इसका जीरो ही मिलेगा। सो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इसको। सो ये एक तरीका हो गया, मैंने आपको बता दिया कि लिमिट जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को कैसे हम यूज करते हैं। ओके, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कि जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी में हम जीरो और वन बाई इन्फिनिटी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एग्जांपल आपको वही सवाल आप ले लो जो अभी मैंने लिखा हुआ था, एक्सटेंड टू वन वन माइनस एक्स टेन पाई एक्स बाई टू। जब आप एक्स की वैल्यू वन रखते हो तो जीरो और ये इन्फिनिटी, तो जीरो इन्फिनिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, फिर से इसको लिमिट एक्स टेंस टू वन वन माइनस एक्स और इसको नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा कॉट पाई एक्स बाई टू। अब आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये माइनस वन और नीचे कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक डिफ्रेंशिएशन का आएगा पाई और इंटू टू। ओके, तो ये फाइनल आंसर पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये यहाँ मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया, आप यहाँ पे ट्राई कर लो, इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना तो टू बाई पाई आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो वन पावर इन्फिनिटी। वन पावर इन्फिनिटी का जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, वन पावर इन्फिनिटी हो या जीरो पावर जीरो हो या फिर इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी हो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, टेक लॉग ऑन बोथ साइड और फिर उसको कन्वर्ट करना चाहो आप किस में, जीरो बाई जीरो फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। जीरो बाई जीरो फॉर्म का कोई वो नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कभी होता है कन्वर्ज नहीं करता है। तो आप ये इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन इज लाइक फाइंड द लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू माइनस एक्स बाई ए टेन आई एक्स बाई टू ए। ओके, तो यहाँ पे अब x की वैल्यू ए रखने पे आप देखो ये वन पावर इन्फिनिटी हो रहा है। तो सपोज लिमिट इसकी हो गई y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ए
2 minus x by a to power tan pi x by 2a. अब आप दोनों तरफ log लोगे तो ये हो जाएगा log y, और ये कुछ ऐसा tan pi x by 2a limit मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, log 2 minus x by a. यहाँ पे ये हो गया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन और यहाँ x tends to क्या है a. ओके, अब उसके बाद आप इसको, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें ये लिमिट फाइंड आउट करनी है. ओके, तो इसको आप 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो अभी हम आप इसको लिखते हैं इस तरीके से, tan पाई x बाई 2a को नीचे ले आते हैं, दैट विल बी log 2 माइनस x बाई a अपॉन tan पाई x बाई 2a. अब आप देखो ये इन्फिनिटी, यहाँ 0 पुट करोगे 0 और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो tan को नीचे ले आया तो cot हो गया है. सो दिस इज cot. ओके, आप 0/0 फॉर्म में है तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 माइनस 2x बाई ए और इन टू माइनस 1 बाई ए, और नीचे cot का जो है वो cosec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर पाई x बाई 2a और इन टू पाई बाई 2a. अब आप x की वैल्यू a रखते हो तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, अगेन यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप a रखते हो तो ये 1, और यहाँ पे x की वैल्यू जो आप x की वैल्यू ये रखते हो तो cosec पाई बाई 2, cosec पाई बाई 2 अगेन 1. तो इससे आपको आपको क्या मिलता है, जब अब यहाँ पे आप डायरेक्टली x की वैल्यू ये रख सकते हो, x की वैल्यू ये रखो तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल और दिस विल बी 2/5, कि ये तो 1-1 हो जा रहे हैं दोनों. सो इसका मतलब ये हो गया कि log y जो है ये इतने इसके बराबर आ गया है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर 2/5. ओके, तो ये लिमिट की वैल्यू आ जाएगी. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप 1 पावर इन्फिनिटी को इस तरीके से कर सकते हो. तो ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन आया IAS 2015 में. तो इस तरीके के सवाल आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी से कर सकते हो. तो आपके लिए एक दो क्वेश्चन और हम लिख देते हैं, लाइक इसी तरीके का सवाल आप ट्राई कर सकते हो, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x 1 by x square. इसको आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/e^3. तो ये आंसर आपको मिलेगा, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो. तो ये रही बात अभी तक लिमिट की. तो लिमिट में आप और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बुक से. तो अब हम चलते हैं कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसीबिलिटी की तरफ. कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसीबिलिटी से जो सवाल आते हैं, डायरेक्ट कॉन्टीन्यूटी वाले सवाल तो कम ही आते हैं, मैक्सिमम सवाल डिफ्रेंसीबिलिटी के लिए आते हैं, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंसीबिलिटी. और वो भी कभी कभार वन वेरिएबल के सवाल डिफ्रेंसीबिलिटी वाले भी से. लास्ट टाइम 2019 डिफ्रेंसीबिलिटी से रिलेटेड सवाल आया था. तो जब हम कॉन्टीन्यूटी की बात करते हैं, तो कॉन्टीन्यूटी अगर हम क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी में देख रहे हैं, तो a पॉइंट पे हम राइट साइड से, b पॉइंट में हम लेफ्ट साइड से, और ओपन इंटरवल a कॉमा बी में, ये तीनों चीजें कॉन्टीन्यूटी पे हम चेक करते हैं इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी. ये रही कॉन्टीन्यूटी की बात. तो हम एक क्वेश्चन कॉन्टीन्यूटी के लिए भी कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको अगर कॉन्टीन्यूटी, तो बात कॉन्टीन्यूटी की हो रही है तो हम एक सवाल कॉन्टीन्यूटी का कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन जीरो है, और फाइव एक्स माइनस फोर जब एक्स जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है, और फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जब एक्स एक से बड़ा है और दो से छोटा है, और थ्री एक्स प्लस फोर जब एक्स दो से बड़ा. तो अगर हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल्स टू जीरो वन और टू पे, तो हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. आपको तो पता है कैसे कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं, जीरो पे आप दोनों वैल्यू देखो. तो इसमें सपोज एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हमें चेक करना है, तो पहले हम लेफ्ट साइड की लिमिट देखेंगे एक्स इक्वल्स टू जीरो पे,
एफ एक्स, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड की लिमिट देखेंगे और लिमिट देखेंगे एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस पे। ओके, तो ये देखेंगे क्या दोनों लिमिट जो है वो सेम आ रही है। तो आप देखो एक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस पे लिमिट जो है वो जीरो है, क्योंकि इसमें पुट करोगे आप जीरो, इक्वल्स टू जीरो प्लस पे लिमिट जो है वो माइनस फोर है। सो ये दिस इज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब हुआ कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि x इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। अब हम चलते हैं x इक्वल्स टू वन पे। सो x इक्वल्स टू वन पे आप देख सकते हो कि जब x टेंड्स टू वन माइनस रखते हैं तो यहाँ पे आप वन की वैल्यू रखो तो आपको वन मिलेगा, और जब x टेंड्स टू वन प्लस रखते हैं तो यहाँ वन रखो तो फिर भी वन ही मिलता है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है x इक्वल्स टू वन पे कॉन्टिन्यूस है। और सिमिलरली x इक्वल्स टू टू पे, जब टू पे चेक करना है तो हमारे पास केवल जब टू माइनस रखेंगे तो यहाँ टू रखो तो फोर इंटू टू स्क्वायर और माइनस थ्री इंटू टू दैट इज सिक्सटीन और माइनस सिक्स दैट इज टेन। और जब x इक्वल्स टू x टेंड्स टू टू प्लस रखो तो यहाँ पे आप टू रखोगे तो थ्री इंटू टू प्लस फोर दैट इज टेन। तो मतलब x इक्वल टू टू पे भी हमें कॉन्टिन्यूस मिलता है। तो ये बात हो गई कॉन्टिन्यूटी की। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जो कि पहले हम कॉन्टिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं उस। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारे पास ये होता है कि एफ डैश ए, अगर किसी फंक्शन एफ एक्स को हमें डिफरेंशिएबल बताना है एफ डैश एक्स पे, तो हमें क्या होता है कि हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए ये एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हो कि ये लिमिट जो है ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप याद रखो कि लिमिट जो है वो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इसके लिए हमें दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों तरफ की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस दैट विल बी एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसको हम एक ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, h की फॉर्म में लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, क्योंकि h ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख रहे हैं हम, सो ए माइनस अपॉन h दैट इज x माइनस सॉरी माइनस एच, यू गॉट इट। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन h। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएबिलिटी में जो हमारे पास लिमिट फाइंड करना होता है वो ये होता है, दैट इज f डैश a इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ए। इससे ही सारे सवाल हो जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये लिमिट याद है, और ये लिमिट कैसे निकालना है इस लिमिट को, ये अगर आपको पता है और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो इन एच फॉर्म और ये। सो ये दोनों चीज़ें अगर आप निकाल सकते हो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप डिफरेंशिएबल प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक दो इम्पॉर्टेंट थियरम्स। सो एक थियरम ये होता है कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशियंट कंडीशन नहीं है। सो थियरम इज लाइक कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर derivatives, for finite derivatives, okay? तो ये theorem क्या proof आप उससे देख लेना, book से अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो इस proof का main motive क्या होता है, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लो fx derivable है, मतलब differentiable है, अगर fx differentiable है इसका मतलब क्या हुआ, limit, मैं यहाँ पे short में करने की कोशिश करता हूँ, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए ये एग्जिस्ट करेगा और ये इक्वल्स टू एफ डैश ए के इक्वल होगा, तो ये आपको पता चल गया।
अब इसके बाद आप देख सकते हो, इसको एच फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिख सकते हो। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि इधर वाले लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, अगर हम इसको कुछ इसको ऐसे लिखें और इसको हम ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच और इनटू एच कर सकते हैं, जहाँ पे एच जीरो तो नहीं है, एच टेंस टू जीरो है। अब अगर हम दोनों तरफ लिमिट लें इन दिस इक्वेशन, इफ विल टेक लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक चीज़ मिलेगी लिमिट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और ये आप देख रहे हो ये एफ डैश एक्स होगा और एच एच टेंस टू जीरो होगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ए। तो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो कॉन्टिन्यूटी इज वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन, यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है। फॉर सफिशियंट कंडीशन के लिए तो आपको पता है कि आप कोई सब एग्जांपल दे दो, जो बहुत सब फेमस सा एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो सफिशियंट कंडीशन के लिए आप ये कह सकते हो ये सफिशियंट कंडीशन क्यों नहीं है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे डिफरेंशिएबल नहीं, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू जीरो पे फाइंड आउट करें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच माइनस ये यहाँ पे जीरो अपॉन माइनस एच ये वैल्यू आ गई माइनस वन। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो दैट विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो और जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपॉन एच तो ये वन। तो ये देखो आप दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऐसे आप दिखा सकते हो कि सफिशियंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन तो है कॉन्टीन्यूटी, लेकिन सफिशियंट कंडीशन नहीं। और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को दिखाने के लिए। तो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, दैट विल बी आई एल ट्राई टू सॉल्व हेयर। सो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, अगर एक्स जीरो नहीं है और जीरो अगर x जीरो है, तो ये हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये डिराइवेबल है। सो व्हाट आल्सो सो दैट दिस इज डिराइवेबल एट x इक्वल्स टू जीरो, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ डैश एक्स जो है वो एफ डैश जीरो के बराबर नहीं आ रही, बट ये ओके। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। तो इसको प्रूव करने के लिए पहली बात तो हम पहले चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास x इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्टीन्यूटी चेक करना है। तो पहले हम लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो प्लस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h स्क्वायर साइन वन बाई एच, ये देख रहे हो आप जीरो आया, और फिर यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो वो राइट हैंड लिमिट हो गई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच होल स्क्वायर साइन माइनस वन बाई एच, ये भी जीरो आया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस है। ओके नाउ विल गो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी देखना है, तो लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव जो होगा वो होगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ, चलो लिख ही देते हैं एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो यहाँ जीरो प्लस एच रखोगे तो यहाँ आप देख रहे हो एच साइन माइनस वन बाई एच माइनस जीरो अपॉन वॉट माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड फिर से आप जब ये रखोगे तो आप यहाँ देखो एच इक्वल्स टू जीरो। ओके सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो फिर से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे जीरो प्लस एच हो जाएगा, यहाँ प्लस एच हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर वन बाई एच माइनस वन अपॉन एच, ये भी जीरो। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा लेफ्ट हैंड और ये दोनों डेरिवेटिव
ये दोनों इक्वल तो है. सो व्हाट वी गॉट दैट एफ डैश इक्वल्स टू राइट एफ डैश. तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश जीरो जो है वो एग्जिस्ट करता है. और किसके इक्वल है एफ डैश जीरो? जीरो के इक्वल है. ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है और जीरो के इक्वल है. लेकिन अब आप देखो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स. जब आप यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू एक्स साइन वन बाई एक्स, ओके, माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल एंड कॉस वन बाई एक्स. सो दिस विल बी, अब यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हो आप, तो आप देख रहे हो कि ये एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करो तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जब करोगे आप एफ डैश एक्स, तो ये जो है वो इक्वल नहीं है एफ डैश इसके. फिर भी ये जो एफ एक्स था, एफ एक्स जो है वो डिराइवेबल है. तो हमारे पास क्या मिला हमें कंडीशन? हमें ये मिला कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो. फिर भी एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है. आपने ये देखा ना एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि आप देखो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है नहीं, फिर भी एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो. उसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन और, चलिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं. क्वेश्चन लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस वन एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो. अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है. एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. अगला सवाल कुछ इस तरीके से है. आप ये एक बहुत फेमस सवाल है जो हमेशा होता है, एक्स पावर पी कॉस ऑफ वन बाई एक्स और जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो और एक्स की वैल्यू जीरो. तो इसमें ये कहता है फाइंड द कंडीशन ऑन पी सच दैट फर्स्ट क्या कॉन्टिन्यूअस हो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे और बी डिफरेंशिएबल हो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे. तो सबसे पहले चलिए ये वाला सवाल हम कर देते हैं. तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्रूफ करना होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू जीरो पे. सो फॉर कॉन्टिन्यूटी, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक्स इक्वल्स टू जीरो जब माइनस रखते हैं तो एक्स और पी कॉस वन बाई एक्स, अगर हम लेफ्ट साइड डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच पावर पी कॉस माइनस थीटा इज थीटा. सो ये हो गया इसके हिसाब से माइनस एच पावर पी कॉस वन बाई एच. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. जब हम राइट साइड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट साइड लिमिट निकालते हैं एक्स पावर पी कॉस वन बाई एक्स का, तो हमारे पास आता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच पावर पी कॉस वन बाई एच. दिस इज सेकेंड. अब और एफ जीरो जो है वो जीरो है. दिस इज थर्ड. अब कॉन्टिन्यूटी के लिए ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, मतलब माइनस एच पावर पी एच टेंड्स टू जीरो है, कॉस वन बाई एच और एच पावर पी कॉस वन बाई एच इक्वल्स टू जीरो. ये दोनों जीरो होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वैल्यू है पी की वैल्यू एच जो है वो नीचे ना जाए. पी की वैल्यू जो है वो जीरो और एच जो है वन भी नहीं हो सकता, तो पी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए. तो ये हो गई एक बात कॉन्टिन्यूटी के लिए. अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप वही लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये आप निकालो तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, इसको एच में लिख लेते हैं, एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच पावर
एच पावर पी कॉस 1 बाई एच, और अपॉन में एच आएगा तो इस एच अपॉन में माइनस एच आएगा, तो इस माइनस एच को हटा के एच माइनस पी रख देते हैं। और इसी तरह आप जब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे तो वहां पे भी एच माइनस पी आए, एच को पावर पी माइनस वन आएगा, तो इसको ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए, तो पी माइनस वन ग्रेटर दैन जीरो, इसका मतलब पी जो है वो ग्रेटर दैन वन होना चाहिए डिफ्रेंसीबिलिटी के लिए। इसको आप पूरा कर लेना। सो फॉर कॉन्टिन्यूटी पी शुड बी ग्रेटर दैन जीरो एंड फॉर डिफ्रेंसीबिलिटी पी शुड बी ग्रेटर दैन वन। इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन ऑलवेज आस्क इन एग्जामिनेशन। सो ये रही कॉन्टिन्यूटी और डिफ्रेंसीबिलिटी की बात। So that is all in this lecture from my side. Thank you.